और बारिश के टाइम पे मूर्तियाँ कहाँ पे रखते हो? बारिश के टाइम पे मूर्तियाँ तिरपाल के नीचे ढक देते हैं और हम भी तिरपाल के नीचे ढक के सो जाते हैं, अंदर छुप छुप के बैठ जाते हैं। आंधी तूफान से बारिश से हमारा बचाव हो जाता है, तिरपाल से झुबड़ी बना देते हैं अच्छे से ढक लेते हैं। और जिस टाइम पे मूर्तियाँ नहीं बिकती उस टाइम पे कैसे खर्चा चलता है? ऐसे ही बैठा रहता है, भगवान को याद करते हैं, मालिक को याद करते हैं कि मालिक हमारा धंधा बिक जाओ तो हमारी मूर्तियाँ बिकेगी तो हमारे पेट भी दूध जाएगी। और बच्चे कुछ पावड़ी पे पड़े तो धंधा तो नहीं खड़ा होता है। और सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है उनसे कोई लाभ नहीं होता? नहीं, कोई सरकार मैंने खुद सरकार से ऐसा करता है कि फुट पावड़ी के जो भी था वगैरह उसको मंगाने की कोशिश, नहीं कुछ खाने देते हैं, नहीं कुछ पानी पीने का देते हैं। हाँ, जो नल भी लगाया ना वो भी तोड़ फोड़ कर दी, इंसान को पानी भी बहुत दूर से लाना पड़ता है, रोटी पानी के लिए भी हमको बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, कम से कम 400 किलोमीटर दूर पानी लेके आते हैं, उधर से बीवन से उधर से लेके आते हैं। हमारा आटा दाल का सामान भी वहाँ बहुत दूर मिलता है, वहीं से जाके हम लेके आते हैं बाजार में, खाने का नहीं होता है। यहाँ पर पास में नल था वो भी तुड़वा दिया और लोगों ने लेके तोड़ तोड़ के अंदर ले लिया नल के। अब यहाँ पर कमेटी वगैरह भी आती है तो हमारी दुनिया के तोड़ फोड़ होती है, सारे बच्चे लेके हम बात भी बैठे रहते हैं और कमेटी वगैरह आती है तोड़ फोड़ करके चली जाती है, हम बैठे रहते हैं सब होता है, फाड़ फाड़ के चले जाते हैं गरीबों के लिए। गरीबों के लिए लूट रहे और मार झाड़ करने के लिए बैठे रहते हैं, गरीबों को एक टाइम पर खाना नहीं मिलेगा ना, कभी चलना पड़ता है मालिक का नाम। हमको यहाँ पर नहीं भी मिलता खाने के लिए तो हम भूखे भी सो जाते हैं यहाँ पर।